माइक नीचे कर ले यार, माइक कर ले, टेबल से जुड़ाओ यार, पीछे से ले आसू यार, थोड़ा सा यार माइक दे दे यार, आपको आगे आगे खड़े हो चेक में साइड से ठीक। मैं वकीलों में आया सिर्फ उनका मसला सॉर्ट आउट करने के लिए। जो अस्पताल के अंदर जुल्म हो रहा था, मरीज सिसक के मर रहे थे, टीवी चैनल्स पे सारी खबरें चल रही थी कि मेरे अंदर की इंसानियत थी कि मैं आया कि यार इनका मसला सॉर्ट आउट कर दूं। इन्होंने मुझे अगवा करने की कोशिश की, मुझे मारा पीटा, मेरे पे तशद्दुद किया, उसका भी ख्याल ना रख के हमने पुलिस के साथ मिल के, बड़ी एक DIG ऑपरेशन के साथ मिल के हमने एक ऐसी स्ट्रेटजी बना के जो 2.5 घंटे से ड्रामा जारी था 20 मिनट में हमने उन्हें डिस्पर्स किया। लेकिन ये बहुत बड़ा जुल्म करके गए हैं। आज मेरे सामने एक यहाँ पे एक साथी खड़ा है, उसकी आंटी जाना यहाँ पे जाना वो शहीद हो गई, यहाँ कई बच्चे जाना वो शहीद हो गए। वजीर अला पंजाब सरदार उस्मान बुजार साहब ने राजा बशारत साहब की क्यादत में इंक्वायरी कमेटी बनाई है। उन्होंने वाजे तौर पे कहा है कि हम किसी ग्रोह को माफिया बनने नहीं देंगे, और जिन वकीलों ने ये गुंडागर्दी की है, मैं आज वकील बरादरी के अमन पसंद और इखलाक पसंद और एथिक पसंद जो है वो मुहिब वतन जो हमारे लीडर्स हैं जनाब वकला बरादरी के, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इनके लाइसेंस जो है वो कैंसिल करें, इनको अपने अपने ग्रोह से निकालें। ये वो ब्लैक शीप्स हैं कि जो आपके प्रोफेशन को भी जो है वो बदनाम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इनको चुन चुन के जिन्होंने यहाँ पे जुल्म जबर बदमाशी की है उनके खिलाफ FIR भी कटेगी, और इंशाल्लाह उन्हें निशाने इबरत बनाएंगे। वकीलों ने आपको अगवा किया, तशद्दुद किया, तो हुकूमत की रिट कहाँ गई? आप मिनिस्टर हैं, आपके साथ ये हुआ तो पब्लिक कहाँ जाएगी? हुकूमत की रिट सारी दुनिया ने देखा कि हुकूमत की रिट सारी दुनिया ने देखी कि अकेला अल्लाह पाक के करम से इमरान खान का सिपाही और सरदार उस्मान बुजदार का वजीर अकेला आया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी मुझे इस मौके के ऊपर कोई वजीर बताएं कि जो अकेला आके अपनी जान हथेली पे रखे। ये हुकूमत की रिट है कि 20 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर मैंने और DIE ऑपरेशन ने एक सिंगल बंदा जख्मी किए बगैर, मैंने सख्ती से मना किया था, ना गोली चलानी है, ना शेल चलाना है, ना किसी वकील को मारना है। मैंने जाती तौर पर 5 से 10 वकीलों को बचाया है, जिन्हें जाना वो आवाम के, जिनको गुस्सा था कि जिनकी गाड़ियां टूटी थी, जिनके ऊपर जुल्म हुआ था, और पुलिस वाले जिनको मारा पीटा गया था, मैंने उनसे उन वकीलों को बचाया, और मैंने कहा किसी को मारना नहीं है। इसको कहते हैं सरदार उस्मान बुजदार साहब की हुकूमत की रिट। बाकी इससे आगे आपकी इंशाल्लाह FIR कटेगी, उनको हम तलाश करके गिरफ्तार करेंगे, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन होगी, निशाने इबरत बनाएंगे। हमने बड़े तरीके से, मैंने खुद प्लानिंग करके पुलिस के जाना DIG ऑपरेशन के साथ मिलकर, अब हमने ये सारा मामला तकरीबन अल्लाह पाक के करम से निपटा दिया है, और CM साहब ने कमेटी बनाई है, इंक्वायरी कमेटी राजा बशारत साहब की क्यादत में। इंशाल्लाह वो कमेटी जो भी अपनी सबमिशंस देगी, इन सारे वकीलों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी, FIR कटेगी, और इनको निशाने इबरत बनाएंगे। आप इनको स्पेयर नहीं करेंगे, किसी ग्रोह को इजाजत नहीं देंगे कानून हाथ में ले। किसी सर मुझे अगवा करने की कोशिश की वकीलों ने, वकला ने मुझे अगवा करने की कोशिश की, हालांकि मैं इनकी बेहतरी के लिए यहाँ आया था, सिर्फ माशरे सोसाइटी की बेहतरी के लिए और अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए। मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैंने खुद DIE ऑपरेशन के साथ मिलकर अब सारी चीज मैनेज की है जो पिछले 3 घंटे से नहीं हो रही थी। प्रेस को भी किया गया, इंतहाई काबिल मजम्मत है। इंशाल्लाह अभी इसकी मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इनके खिलाफ